नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेनों को लेकर। कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसको कि रद्द कर दी गई है। रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव करता रहा है, जिससे कि यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। ऐसे में रेलवे अपने नियमों में भी बदलाव करता रहा है। रेलवे इन दिनों पटरियों पर काम कर रहा है, जिससे कि ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रेनों की पटरियों में काम चल रहा है। ऐसे में रेलवे की तरफ से साझा जो अपडेट जारी किया गया, उसमें ECR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि रायगढ़ और झारसुगुड़ा स्टेशनों के मध्य में जो है ANI कार्य के कारण 5 जोड़ी ट्रेनों को जो है रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेल के रायगढ़ और झारसुगुड़ा स्टेशनों के बीच में चौथी लाइन के कनेक्टिविटी हेतु नन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण ट्रेनों की सेवा में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। आइए अब जान लेते हैं किन किन ट्रेनों को रद्द किया गया है और किस किस तारीख में रद्द किया गया है। गाड़ी संख्या 17007 सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस 23 और 27 अगस्त को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 17008 दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस 26 और 30 अगस्त को रद्द रहेगी। यह ट्रेन जो है 26 और 30 अगस्त को दरभंगा से खुलेगी। गाड़ी संख्या 22843 बिलासपुर पटना एक्सप्रेस 26 अगस्त को रद्द रहेगी और यह ट्रेन जो है बिलासपुर से खुलेगी। गाड़ी संख्या 22844 पटना बिलासपुर एक्सप्रेस 28 अगस्त को रद्द रहेगी और यह ट्रेन जो है पटना से खुलने वाली है। गाड़ी संख्या 17005 हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस 25 अगस्त को रद्द रहेगी और यह ट्रेन जो है हैदराबाद से इस तारीख में खुलेगी। गाड़ी संख्या 17006 रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस 28 अगस्त को रद्द रहेगी और यह ट्रेन जो है 28 अगस्त को रक्सौल से खुलेगी। गाड़ी संख्या 17321 वास्को डी गामा जसीडी एक्सप्रेस, यह ट्रेन जो है 26 अगस्त को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 17322 जसीडी वास्को डी गामा एक्सप्रेस जो है 22 अगस्त और 29 अगस्त को रद्द रहेगी और यह ट्रेन जो है इन तारीखों में जसीडी से खुलेगी। गाड़ी संख्या 13425 मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस 20 अगस्त और 27 अगस्त को रद्द रहेगी। यह ट्रेन जो है इन तारीखों में मालदा टाउन से खुलने वाली है। गाड़ी संख्या 13426 सूरत मालदा टाउन एक्सप्रेस 22 अगस्त और 29 अगस्त को रद्द रहेगी। यह ट्रेन जो है सूरत से इन तारीखों में खुलने वाली है। तो ये थी वो ट्रेनें जो कि ECR यानी कि पूर्व मध्य रेलवे के तहत आएंगी, इन स्टेशनों से होकर गुजरेगी या फिर पटना या फिर बिहार से किसी स्टेशन से होकर गुजरने वाली है। इन ट्रेनों में जो है एक तरह से कह लें कि रद्द किया गया है इंटरलॉकिंग काम। रेलवे में नन इंटरलॉकिंग कार्य चल रहा है, जिसके कारण इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो ये थी ट्रेन से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।